हेलो नमस्कार जय मोर बंधुसकल वेलकम टू माय चैनल बी टू फाइव मोर लेट हो गल मंदिर जब लगे इतना मैं अपना आगर भिडियो कैसा हाथ मम 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 लैसो मम लाइस इतना मंदिर लगे सो यू आम घर नतुनक बना पीछे अपने देखा चाकि चाकि ये रातर कारण तैयारी चलि एनेक लाइट लगवा चाहे कलगस एडाल तो लाइट फिटिंग करा ऐसे तो पीछे अपना लोगों को देखा इतना मंदिरों पर आऊँ जल्दी लेट हो गए तो चेनेल तो पिंधि लाते खुली रखीम तो इतना गई थको आम मंदिर लैके दौड़ी 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 लेट हो गए कारण गोटे मंदिर तो आज गोटे मंदिर तो आज आम चाकि ज्लम सब फल चाकि चलाय पोहर करम आम मंदिर तो मो फोन कर माति से रेडी कर सबे तो चाय थे भिडिओ तो गोटे और मोर चेनेल जड़ित थे धन्यवाद एने के आशीर्वाद कर जाते मैं और आगे जा रहा भल भल भिडिओ अपना दी पार और सकलैक दीपावली शुभकामना ज्ञापन करलो तो आम मंदिर गेटर भर आपलोक चाह पे परवेश तो इतना आम चाकि ज्लम इते चाकि मानने प्रथम आम सजा लम कत के लगभग लगे कि लगे तो लगे तल सेल दीम चाकि देखि दीम तो हेपी दीवाली और देखा पासी घर पर लो ममी दी ज्लम आम ठीक है आई थक मैं देखा थी अपना तो देखा पासी एने चाकिबी सजा थको तो मोर भाईटी है भाईटी को इतना तो मो लग जाम जास्ट अलग देखाल मैं नर्मेलि तो यार पिछड़ा मैं आको अक पीछे अपने फुटेज देखा थकीम तो मैं इतना अलग काम लग ठीक देखा पासी अपना एनेक गोटे मंदिर तो चाकि दी फार्ष्ट सजा लम सजा लिशन आम सब लाइट जैसे एंडार हम तक बंध कर दिया हम लाइट खाली चाकिर पोहरते गोटे मंदिर तो उजलि उठने आम करो अपने चाह पे इनके लिए डिजाइन करें ओम आसे महादेव त्रिशूल आसे माँ आसे सो इनके आम डिजाइन करूँ और गोटे मंदिर तो चाकि आम उजला तैयारी करूँ आम दिवाल कारण सो सकोलैक थकिल हेपी दिवाली मोर तरफर पर तो चाय थक और अपना देखा थकिन मैं भिडिओ केनेके कोट की होय थाके आरो कोट कोट केनेके आमी साकी जलाय आसु केनेके की कोरी आसु जेंदा दिन है थोड़ा वीडियो चल रहा है यूट्यूब में हम लोगों का चैनल है यूट्यूब में तो दिवाली के लिए आपका घर में अभी कैसा मतलब आप मनाओगे दिवाली के लिए दिवाली तो हम लोग का मतलब माँ माता जी का आशीर्वाद से होता है घर में दिवाली हम लोग दिवा विवा जलाता है माँ को पूजा करते हैं वही बस तो अभी मंदिर में आके आपको माहौल कैसा लग रहा है दिवाली के लिए मैं तो हर साल में आता ही हूँ तो यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है कोविड के लिए थोड़ा मतलब कमती है तो दिवाली के लिए हैप्पी दिवाली आप सभी घर वालों के लिए भी तो थैंक यू आइए मंदिर में दर्शन कीजिए ठीक है धन्यवाद तो आप लोग देख सकते हैं कि जो दर्शनार्थी है आया है उन लोगों को भी ये माहौल बहुत ही अच्छा लग रहा है तो अमर जंतु एतिया सिक्योरिटी टीम आसे इते चाकि बंती ज्वलत बहुत खि सहयोग अपने चाह पे आम गोटे टीमटे इते आसे तो तेखेत सकलक खुदी मैं केनेकुआ एक्सपीरियंस कारण जीतु प्रत्येक बसरे इते तेखेत सकले हेल्प कर दिए तो ये हल परेश मोर दादा है
কেনেকুৱা প্ৰচেছিং চলি আছে দেৱালীৰ কাৰণে? বিশেষটো ঠিকে চলি আছে, এতিয়া মুঠৰ ওপৰত তেলৰ দাম বাঢ়িছে 214 টকা লিটাৰ, সেইটোৰ কাৰণে এতিয়া চাকিবোৰ ভালদৰে জ্বলাব পৰা নাই আৰু ফুটকাৰ দামবোৰো বাঢ়ি আছে। তাৰপিছত আজি 160 টকা ফুটকা কিনিছোঁ, 2 পেকেট চিট ফুটকা, তেনেকুৱা হ'লে ইমান দামততো কিনিব নোৱাৰোঁ, সেইটো কাৰণে অকণমান নিয়মটো কৰি থৈ পেলাই এনেকৈ কৰিম আৰু দেৱালী। হয়, এইটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে, কাৰণ যিহেতু তেলৰ দাম বাঢ়িছে আপোনালোকেও জানে, তো আগৰ বছৰ যেনেকুৱা চলি আছিল বা আগতে যেনেকুৱা চলি আছিল তাত কৰি বহুতখিনি কম আমি চাকি ইয়াতে মন্দিৰত লগাম চাগে, কাৰণ কিয় তেলৰ দাম বহুত বাঢ়িছে। তো মোৰ চেনেলৰ জৰিয়তে গভৰ্ণমেণ্টক মই ইমানখিনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যাতে এইবিলাক অলপমান তেলৰ দামবিলাক বঢ়াই দিয়ক, কাৰণ কিয় ৰিজন চাওক। আপোনালোকে নৰ্মেলি ক'ব যে চাইনাৰ বস্তু লগাব নালাগে, লাইট লগাব নালাগে, কিবা লগাব নালাগে, কিন্তু তেলৰ দামটোতো চাক ইমান হৈছে, তো কেনেকৈ চাকি জ্বলাব মানুহে? তো এইখিনি চাক আপোনালোকে, তো এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ যাতে এইবিলাক আমাৰ যোনটো পূৰ্বপুৰুষৰ যোনবিলাক আছে এইবিলাক যাতে কৰিবৰ কাৰণে যাতে এটলিষ্ট সেইখিনি বস্তুৰ দাম কমি থাকে। তো চাইনাৰ বস্তু ইউজো কৰিব নালাগে, আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ বস্তু ইউজ কৰিলেও ইমান দাম। চ'